नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों आज हम लाए हैं कुछ अनोखे और स्मार्ट टिप्स जो कुकिंग से रिलेटेड हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर वन की तरफ। दोस्तों जब भी हम पूड़ियाँ सेकते हैं तो पूड़ियाँ सेकते टाइम अगर हम इस तरह से इधर से पूड़ी डालते हैं तो पूड़ी हमारी यहीं पे चिपक जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तेल डालने के बाद इस तरह से चारों तरफ पूरी कढ़ाई में तेल को घुमा दें। उससे होगा क्या कि कढ़ाई हमारी पूरी अच्छे से चिकनी हो जाएगी और जब हम इसमें पूड़ी डालेंगे तो बिल्कुल किनारे से पूड़ी डालेंगे और जड़ से अंदर जाएगी। तो ये टिप बहुत ही अच्छी है और आप एक बार ज़रूर यूज करके देखना। और जब भी आप पूड़ी सेकें तो इस तरह से किनारों को इस तरह से अगर हल्के हल्के से दबा दबा कर सेकेंगे तो पूड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से फूलेगी। जिसकी पूड़ियाँ नहीं फूलती है ना, उसकी भी पूड़ियाँ फूलेंगी। तो ये भी टिप बहुत ही अच्छी है। देखिए हमारी कितनी अच्छी गुब्बारे जैसी पूरी फूली है। तो ज़रूर आप एक बार आजमा के देखना। तो बहुत ही बढ़िया टिप है। तो ज़रूर आप अगर बिगनर हैं या आपकी पूड़ी नहीं फूलती है तो ये टिप जरूर आजमा के देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों अगली टिप है, ये मैकडी का हमारा बर्गर है और ये बर्गर हो गया है बिल्कुल ठंडा। तो अब हम बिना माइक्रोवेव के किस तरह से गर्म करें, तो ये बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बता रही हूँ। ये मैंने तवा लिया है, रोटी वाला तवा है। तो इस तरह से इसको होम फॉल में पैक करके और हम इस तरह से इसको लगा देंगे। और ये मेरा एक पेज रैप था तो इसको भी मैं इस तरह से लगा देती हूँ। लगाने के बाद आप इसको इस तरह से बीच बीच में पलट दें और देखिए हल्का हल्का धुआं आ रहा है। और एक प्लेट से इसको ढक दें। 5 मिनट लगेंगे, माइक्रोवेव से भी अच्छा ये गर्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर यूज करना। बिल्कुल पक्का है, श्योर है, आजमाया हुआ है। दोस्तों ब्रेड तो हमारे घर में बहुत ही यूज होती है, बच्चे हों या बड़े हों सभी को पसंद आती है। तो एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ ब्रेड को लेकर। ये ब्रेड के ऊपर की जो मोटी ब्रेड होती है इसको आप कभी फेंकें ना। इसके क्या फ़ायदे हैं, जो बाकी की ब्रेड होती है उसको ये ऊपर से इस तरह से लगाने से क्या होता है, बाकी जो ब्रेड होती है वो हमारी सूखती नहीं है और इस ब्रेड के कारण सारी ब्रेड इस तरह से कवर हो जाती है। तो ये ब्रेड बिल्कुल भी ताज़ी रहती है। तो इसलिए ये मोटी ब्रेड को आप ऊपर ज़रूर लगा के रखें। इसको सबसे लास्ट में इसको फेंकना है। और नहीं अगर फेंकना है तो आप इस ब्रेड को भी किसी में भी यूज कर सकते हैं, क्रम्स बना सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी बनती है। तो दोस्तों ये टिप बहुत ही अच्छी है, यूजफुल है। और जब भी आप ब्रेड को रखें तो इस तरह से ये पॉलीथिन इस तरह से आप कवर करके रखें, बिल्कुल भी इसमें इधर उधर की एयर नहीं जानी चाहिए। इससे भी हमारी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश रहती है। और अगर हमारी टिप आपको अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर आप यूज करके देखना। दोस्तों जब भी हम राजमा बनाते हैं तो राजमा हमारा गलने में समय ज़्यादा लेता है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप बता रही हूँ। ये मैंने 1/2 चम्मच सोडा लिया है। तो भिगोने के बाद आप इसको ऐड कर दें और 5 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें। उसके बाद आप इसको धोकर उबालेंगे तो राजमा बहुत ही जल्दी उबलेगा और आपके समय की भी बचत होगी और गैस की भी बचत होगी। और दूसरी बात, जब आप इस तरह से राजमा बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो एक बार मेरी टिप ज़रूर आजमा के देखना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों अक्सर कर हमारी दाल जब हम कुकर बंद करते हैं तो उफन कर ऊपर निकलने लगती है। तो उसके लिए क्या करें, जब भी आप कुकर का ढक्कन बंद करें तो बंद करने से पहले आप ढक्कन में इस तरह से पूरे में देसी घी लगा लें या फिर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा लें, जो आप ऑयल खाते हो। सरसों का ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि उसकी स्मेल तीखी होती है। और इस तरह से पूरे में अच्छे से लगा देना है। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे।
तो इस तरह से ढक्कन को अच्छे से चिकना कर लें और ये बॉल में अच्छे से जरूर लगा दें, नोजल में, बॉल में, ये छेदों में अच्छे से। तो अब हम ढक्कन बंद करेंगे तो बिल्कुल भी हमारी दाल चावल जो भी हम रेसिपी बनाते हैं वो बिल्कुल ऊपर इधर से गिरेगी नहीं और आराम से बन जाएगी। हमारा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा और ये हमारा कुकर भी, ये एरिया बिल्कुल सरफेस एरिया साफ रहेगा। तो ये टिप बहुत ही यूजफुल है, अगर अच्छी लगे आपको तो एक बार ज़रूर ट्राई करना।